तो शायद उनके साथ रहना सफल हो जाए। क्योंकि जो नए लोग हैं उन्हें उनको तो नहीं पता है, उन्होंने तो नहीं देखा था उन्हें। उनको तो उनके बारे में संतों ने जो बताया, जो पुस्तकों में है, उतना ही जानकारी है। उन्होंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो कुछ थोड़े से सौभाग्यशाली लोग जो उनके साथ रह सके, उनका प्यार पाए, उनका दुलार पाए, या उनकी डांट यदि वो अपने नए साथियों के साथ उस ढंग से व्यवहार कर सकें, तो शायद नए लोगों को पता चलेगा कि गुरु के साथ रहना कैसा होता था। किसी की गलती पर कैसे मौन रह जाना, या अकेले में उससे कहना, किसी की अच्छाई को कैसे लोगों के बीच में फैलाना, और कितना कुछ चुपचाप सह लेना दूसरे को पता ना चल पाए, ये शायद उनके साथ अगर हम नहीं रहे होते तो हमको अंदाज़ा भी नहीं होता। और जो एक बात मेरे मन में कई बार आती है कि हजार गुरु झूठे हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने एक गुरु के साथ जी करके देखा है तो हम जानते हैं, हमारा मन इस बात को महसूस करता है कि गुरुत्व क्या होता है, गुरुता क्या होती है, गुरु का होना क्या होता है। आज इस शुभ दिन पर, जबकि गुरु का शरीर हमारे बीच में नहीं है, उनके आचरण, उनके ज्ञान, उनके प्रेम की सुगंधी हमारे जीवन में बनी रहे, एक छोटा सा किन्हीं का भजन है, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं तो पूजा वो जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ, इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, बचाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, है ये काजल का घर बच के कैसे रहूं, अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूं, इस समुंदर से तू ही बचाना मुझे, बचाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।